आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। तो हम लोगों ने न्यू ईयर के वक्त सोचा कि क्यों ना कुछ प्रोग्राम किए जाएं जिसमें हम हमारी जो कवि या कवियत्रियां हैं वो लोग तरन्नुम में कुछ कविताएं पेश करें। तो इसी प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हुआ और आज जो है इसका एपिसोड 2 है और आज बहुत बेहतरीन कवि आ रहे हैं आपके सामने जो कि बहुत ही बेहतरीन गीत प्रस्तुत करेंगे। बेसिकली अपनी कविताएं अपनी या किसी और अच्छे कवि की कविताएं पेश करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। बिरजू जी हाय लिख रहे हैं और जो है अंजलि श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं और काका जी जुड़ गए हैं। तो काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं तो मैं एक एक करके अब जो है अपने कवियों को यहाँ आमंत्रित करूंगी। उससे पहले एक फोर लाइनर। आओ ले चले आपको तरन्नुम के गांव में, खुशी मिलेगी वहां सुकून की उस छांव में। आओ ले चले आपको तरन्नुम के गांव में, खुशी मिलेगी वहां सुकून के उस छांव में। अदा है, अदब है, अंदाज भी है इस महफिल में, आशा पाजेब सी छम छम छमकेगी पांव में। तो हम बुलाते हैं हमारे आज के फनकार को एक एक करके। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा श्रीवास्तव जी को। नमस्कार आपको सबको, नीलम जी आपको और सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। गुड इवनिंग। हेमा श्रीवास्तव डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम जीजीआईसी बाराबंकी, is a postgraduate in economics and then did B.Ed from Gondar, Faizabad. She loves to do sketching, drawing, singing and writing poems in English and Hindi both. और हमारी जो अगली कलाकार हैं, उनका नाम है मनीषा अमोल। नमस्कार मनीषा जी। हेलो मनीषा अमोल did her schooling from DPS आरकेपुरम and is a science graduate from DU. Post her MBA from IMT Ghaziabad, she has worked with various corporations and is currently working as a director with a startup. She started her literary journey 20 months back with a focus on English poetry, Hindi poetry, short story and ghazals. Welcome Manisha. Thank you. और हमारे जो अगले फंकार हैं वो हैं अनूप पांडे जी। तो मैं अनूप पांडे जी को स्क्रीन से जोड़ना चाहूंगी। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार मित्रों। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी कवि लोगों का और सभी हमारे दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। उम्मीद है कि हम लोगों का गाना भी आपको पसंद आएगा। तो अनूप पांडे इज अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड अ पोएट बाय नेचर, अ सेंसिटिव फन लविंग पर्सन। He writes poems, stories and articles. He has been published in some anthologies and magazines. He feels that life is a spiritual journey and the poetry is blossoming of one's soul. So, usme khas dhyan diya jaye fun-loving person pe. Aur hamari jo aaj ki aakhri fankara hai, wo hai Alka Nigam ji. Welcome Alka Nigam. नमस्कार आप सबको, देखने वालों को और आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार अलका जी। अलका डिड बीएससी इन होम साइंस फ्रॉम एलयू एंड वाज बिटन बाय द राइटिंग बग फ्यू इयर्स बैक। शी हैज अ लिटररी पेज लफ्जों की पोटली अलोंग विद एन ई बुक ऑफ द सेम नेम। सम ऑफ हर पोएम्स हैव बीन पब्लिश्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। राइटिंग पोएट्री इन हिंदी इज अ पैशन। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं हम अपने गीतों का सिलसिला। एक फोर लाइनर मैं आपको सुनाना चाहूंगी। रात सितारों का नूर दुपट्टे में सजा रही है, जमीन पे चांदनी नर्म चादर बिछा रही है। रात सितारों का नूर दुपट्टे में सजा रही है, जमीन पे चांदनी नर्म चादर बिछा रही है। चमेली की क्यारी में हवा सरसरा रही है, क्या हम
आपके आमद से तो सारी कायनात मुस्कुरा रही है। ये लाइनें थी हमारे दर्शकों के लिए, और हमारी सबसे पहली खूबसूरत कवि जो आपके सामने अब आपका गीत प्रस्तुत करेंगी वो है हेमा श्रीवास्तव, जो अपनी ही कविता को सुर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। तो हेमा जी वेलकम, स्वागत है हेमा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जाना तो तीरते था, जाना तो तीरते था, मगर तब मैंने तुम्हें नहीं जाना। जाना तो तीरते था, मगर तब मैंने तुम्हें नहीं जाना। पर जब से जाना तब से स्मृति पटल पर सब कुछ लगा जाना। जाना तो तेरा ते था, ये मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है, जो मेरी माँ आज के दिन ही खत्म होती है 1 साल पहले। तो मैं अपनी माँ को याद करती थी। क्यों इतनी विमुख थी मैं इस सच से, क्यों इतनी विमुख मैं इस सच से कि होश आती आती पाया मैंने कि अब तो तय है तेरा जहां। सॉरी, जाना तो तेरा तय था, मगर तब मैंने तुम्हें नहीं जाना। आगे बढ़ गई थी विवश होकर, जाना कि अब कुछ भी नहीं है बस में मेरे। जाना तो तेरा तय था, मगर तब मैंने तुम्हें नहीं जाना। तो अब बस मैं और मेरी लेखनी, खुद को संभाला खुद को जाना। जाना तो तेरा ते था, जाना तो तेरा ते था। सॉरी, बहुत बढ़िया, बहुत टचिंग, बढ़िया हेमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुरीली आवाज। कौन हम या आप इस दुनिया में अमर हैं, परंतु माँ के जज्बात जो है वो हम आपके समझ रहे हैं, और आपके माँ को हमारे तरफ से भी हम लोग बहुत यादें देना चाहेंगे, बहुत सारा प्यार देना चाहेंगे। मैंने इसलिए ये डेट इसीलिए ली थी आपसे, ये वाली डेट, क्योंकि आज मम्मी का पूरा 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पूरा हुआ है। ओके, बहुत खराब लगता हम सब है, आपके साथ, बहुत खराब लगता है, दिल को हम सब आपके वाली साथ कविता थी, और आपने इसको बहुत अच्छे से पेश किया, हम सबके दिलों को ये छू गई है। लेकिन जिस तरह से आप उनको महसूस कर रही हैं, उसी तरह से वो कहीं भी हो, वो भी आपको इतनी ही चाहत के साथ महसूस कर रही हैं। तो जाना उनका जरूर तय था, पर वो आपके दिल में और हम सबों के दिल में जरूर है, हमेशा रहेंगे। उनका आशीर्वाद है हमेशा।
जी बिल्कुल, और हमारे बेस्ट विशेस हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ए मंजिल तुम सुनो ना सुनो, मैं तो रहूंगी पुकार की। ए मंजिल तुम सुनो ना सुनो, मैं तो रहूंगी पुकारती। तड़पाना तुम्हारा शौक है और हार न मानना मेरा जुनून। हमारा शौक है। तड़पाना तुम्हारा शौक है और हार न मानना मेरा जुनून। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ मनीषा अमोल जी को अपनी खूबसूरत सी गजल के संग। मनीषा अमोल। शुक्रिया नीलम जी। ये गजल मैंने सबसे पहले लिखी थी, जब अपने मैंने लिखने की शुरुआत की तो शुरुआत इसी गजल से की थी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये गजल पसंद आएगी, लिखी भी मैंने है और इसको कोशिश की है तरन्नुम में गाने की। गौर फरमाइएगा। जुनूने इश्क चढ़ जाए तो क्या कहने, इसका उन्वान है तो क्या कहने। जुनूने इश्क चढ़ जाए तो क्या कहने, सरजमी तू न इतराए तो क्या कहने। लोग तो बहुत मिलेंगे जिंदगी की राह में, लोग तो बहुत मिलेंगे जिंदगी की राह में। दिल की कश्ती न हिल जाए तो क्या कहने, दिल की कश्ती न हिल जाए तो क्या कहने। ख्वाबों को सजाना और सजा के भी मिटाना, ख्वाबों को सजाना और सजा के भी मिटाना। वो ख्वाबों में भी मिल जाए तो क्या कहने, वो ख्वाबों में भी मिल जाए तो क्या कहने। चमन में खुशबुएं बिखरी हुई चारों तरफ, चमन में खुशबुएं बिखरी हुई चारों तरफ। गुलो दामन में खिल जाए तो क्या कहने, गुलो दामन में खिल जाए तो क्या कहने। बड़ी बेखौफ मोहब्बत की इन्हीं जंजीरों से, बड़ी बेखौफ मोहब्बत की इन्हीं जंजीरों से। दिलों जा घर संभल जाए तो क्या कहने, दिलों जा घर संभल जाए तो क्या कहने। वक्त की आंधियां उड़ा न ले जाए तुझे, वक्त की आंधियां उड़ा न ले जाए तुझे। हौसले मन के सिल जाए तो क्या कहने, हौसले मन के सिल जाए तो क्या कहने। और आखिरी दो पंक्तियां मक्ता पेश कर रही हूँ। गर जिंदा हो अमोल तो जिंदा दिल जियो, गर जिंदा हो अमोल तो जिंदा दिल जियो। फकत दम ही निकल जाए तो क्या कहने, जुनूने इश्क चढ़ जाए तो क्या कहने। सरजमी तू न इतराए तो क्या कहने। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत क्या कहने। हेमा जी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और मनीषा जी के लिए भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए। और मेरे जो उंगली है ना वो कमेंट्स को हाईलाइट करते 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 थक गई तो जो है मुझे वाक्य याद आ रहा था कि आप लोगों की इतनी खूबसूरत आवाजें सुनते हुए कि मेरे कॉलेज में एक ऑफुल सिंगिंग का कॉन्टेस्ट हुआ करता था जिसमें जो है सबसे बेकार जो गाना गाता था उसको फर्स्ट प्राइज मिलता था और मुझे लगभग हर साल में प्राइज मिलता रहा। तो फाइनल ईयर में आपके लोगों ने कहा कि हर बार आपको फर्स्ट प्राइज मिले ये जमता नहीं है, तो जो है अब आप इस साल जज बन जाइए। और मुझे जबरदस्ती जज बना दिया गया ताकि मैं ना गाऊं।
मैंने ये वाक्य इसलिए सुना दिया कि कोई ये ना एक्सपेक्ट करे कि मैं कुछ गाऊंगी, अगर मैंने गाया तो सब भाग गए। तो इसका मतलब है फर्स्ट प्राइज मेरी पक्की है, आप अगर कॉम्पिटिशन में पहली प्राइज मुझे ही मिलने वाले नहीं, अगर आप मुझे भगा देंगे तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा, और मुझे भगा देंगे तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसलिए आप मुझे भगा नहीं सकते। तो फर्स्ट प्राइज तो मैं जीतूंगी, सेकंड प्राइज किसको मिलेगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो बढ़ते कार्यक्रम में आगे, तो एक फोर लाइनर पेश करना चाहूंगी कि मैं तेरे ही दिल का एक कतरा हूं, हे राम मैं तुझ में हूं समाया। मैं तेरे ही दिल का एक कतरा हूं, हे राम मैं तुझ में हूं समाया। जिस दिन मैंने ये राज जाना उस दिन मुकम्मल मैं बन पाया, जिस दिन मैंने ये राज जाना उस दिन मुकम्मल मैं बन पाया। और अनुप पांडे जी जो कि सेकंड प्राइज की कोशिश कर रहे थे परंतु मुझे पता है कि उन्हें सेकंड प्राइज नहीं मिलेगा, वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक भक्ति गीत। अनुप पांडे। धन्यवाद नीलम मैम। अभी हेमा मैडम ने एक सुनाया अच्छी सी ममता से भरा हुआ गीत, फिर उसके बाद मनीषा मैडम ने रोमांस वाला गीत, तो नेचुरली अब जो अगली विधा बचती है वो भक्ति की ही है। तो मैंने काफी पहले एक राम भजन लिखा हुआ था, वही मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हे राम सुनो, हे राम सुनो, हे राम सुनो विनती मन की, हे तात सुनो, हे नाथ सुनो, पीड़ा हर लो इस जीवन की। हे राम सुनो, हे राम सुनो, मन के अश्वों की वल्गा पर किंचित न नियंत्रण रहता है, जितना भागूं तृप्ति पाने मन उतना प्यासा रहता है। अब तो ले लो हे शरण प्रभु, अब तो ले लो हे शरण प्रभु, शक्ति दे दो तव भक्ति की। हे राम सुनो, हे राम सुनो विनती मन की, हे राम सुनो, हे राम सुनो। संताप पाप में उलझा मन, स्वार्थ के काज में डूबा है, जीवन की आपाधापी में तुम्हें विस्मृत करता रहता है। इस बुद्धिहीन पर हे राघव, इस बुद्धिहीन पर हे राघव, तुम वर्षा कर दो कृपा की। हे राम सुनो, हे राम सुनो, हे राम सुनो विनती मन की, हे राम सुनो, हे राम सुनो। मैं कहाँ जाऊं किस ओर बढूं, मन से अपने कब तक मैं लड़ूं, संयम से हीन ये मन मेरा, अंकुश न कोई अब सहता है। तुम ही कह दो हे नाथ मेरे, तुम ही कह दो हे नाथ मेरे, मैं बाह गहूं प्रभु अब किसकी। हे राम सुनो, हे राम सुनो, हे राम सुनो विनती मन की, हे तात सुनो, हे नाथ सुनो। हर राह पाप की नगरी है, सबसे भारी मेरी गठरी है, एक दया दृष्टि की आशा है, तुम पर दृष्टिया ठहरी है।
हे त्राहि माम हे त्राहि माम हे त्राहि माम हे त्राहि माम अब रक्षा करो शरणागत की हे राम सुनो हे राम सुनो विनती मन की हे तात सुनो हे नाथ सुनो पीड़ा हर लो इस जीवन की हे राम सुनो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आपको आपको सिंगिंग में सेकंड प्राइज नहीं मिलेगा पर आपका ये गीत जो है बहुत इस समय के लिए अनुकूल है क्योंकि जब आजकल दुनिया में पता नहीं किस तरह का पेंडेमिक छाया हुआ है और नए स्ट्रेन और मिल रहे हैं एक मैंने जोक पढ़ा था कि अभी तक सिर्फ स्ट्रेस था स्ट्रेन भी है तो जो है ऐसे समय पे आसरा तो सिर्फ भगवान पे ही रह जाता है तो इतनी अच्छी के लिए आपको बधाई तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में शुक्रिया शुक्रिया सभी का शुक्रिया शाम आईना बन गई उसकी तहरीर से हर्फ छलकने लगे शाम आईना बन गई उसकी तहरीर से हर्फ छलकने लगे वक्त बिछ गया आसमान सा वक्त बिछ गया आसमान सा उसकी रूहानियत से गीत चमकने लगे सच ऐसा लग रहा है जैसे कि वक्त की रूहानियत से ही गीत यहाँ पे सामने पेश हो रहे हैं सबके दिल से ये आवाज निकल रही है तो आप देखते हैं कि अलका निगम जी कौन सा गीत प्रस्तुत कर रही हैं ओवर टू यू अलका थैंक यू स्वागत है अभी हम ये अभी रिसेंटली ये गीत लिखा था पहले दूसरा गीत गाने वाले थे पर नीलम मैम ने इसको अप्रूव कर दिया तो ये एक मीरा का गीत है जो अभी हमने भक्ति गीत है जो अभी हमने लिखा है हाल ही में तो वो आपको सुनाते हैं उम्मीद आपको पसंद आएगा पूरी रण छोड़ तेरी पूरी रण छोड़ तेरी यार छोड़ मेरा जाए रे ये बावरी सावरी बिन डोर खींची आए रे ये बावरी सावरी बिन डोर खींची आए रे पूरी रण छोड़ तेरी हर छोर मेरा जाए रे छोड़ श्रृंगार रास रंग रंगरी में तू तेरी रंग नाते सगरी छोड़ के मैं बसी तेरे मन में संग छोड़ दर्पण का मोह में करके तर्पण का जग में आ गई मैं तू तेरी हो ये बावरी सावरी बिन डोर खींची जाए रे पूरी रण छोर हर छोर मेरा जाए रे सारी आखर को जोड़ के तेरा एक नाम मैं बुनू छोड़ सारी सुरागिनी एक तेरी बांसुरी सुनू छोड़ तरने का मोह में छोड़ गंगा का तीर में आई यमुना की मैं तो
बावरी सावरी मेल डोर खिंची जाए रे, पूरी रण छोड़ तेरियो हर छोर मेरा जाए रे, पूरी रण छोड़ तेरियो हर छोर मेरा जाए रे। ई बाबरी सावरी पिन डोर खींची जाए रे, ई बाबरी सावरी पिन डोर खींची जाए रे, पूरी रण छोड़ तेरियो हर छोर मेरा जाए रे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अभी बढ़िया, मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जो शायद बहुत बढ़िया, चारों ने बहुत लिखा बढ़िया, था कि ये बहुत बढ़िया। बॉलीवुड फिल्म के गीत जैसा लग रहा है, तो वाकई ये बॉलीवुड फिल्म के गीत जैसा है। और आशा है यस आप यस यस चारों बिल्कुल। इतना एक से बढ़कर एक गा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ, परंतु चलिए शायद। हाँ बोलिए बोलिए अनुप। नीलम मैम, मुझे एक कमेंट करने का वो मोहलत मोहलत दी जाए। आपने बिल्कुल चुप करा दिया, ऐसा थोड़ी ना नहीं, होता है। मैंने चुप नहीं कराया है, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा आपको चुप वैसे भी कोई मैं ये नहीं कह रहा करा हूं कि ये सकता। पक्का पक्का इसको अलका ने पक्का इसको कंपोज कराया एआर रहमान से, बता नहीं रही है। क्योंकि मैंने अपना जो भजन है ना, मैंने भी हरिओम शरण के दरबान से करवाया था। थैंक गॉड आपने पक्का मुझे एआर रहमान से मुक्ति कराया। करवाया था। नहीं बहुत ही उम्दा, और आशा बहुत है अच्छा आप में गाया, से कोई बहुत अच्छा जरूर गाया। कभी बॉलीवुड में पहुंचे और हम लोग फिर जो है लाइन में खड़े रहेंगे दर्शन के लिए, तो हमको जो जी है जब हम थक थक तो हमको ऑटोग्राफ पहले दीजिएगा। से ले ले, हाँ, और ऑटोग्राफ पहले हमारे से ही ग्रुप ले में, लेते हैं। हमारे ग्रुप में हाँ ही वही। अब हेमा, हमारे ग्रुप में ही हेमा जी को टक्कर देने के लिए अब अलका हो गई। तो हेमा जी, आपको इनसे अलका से अच्छा गाना होगा। मैं चाहता हूं कि मेरी चौथी पोजीशन बरकरार रहे। तो आपके ही ग्रुप में तो हम भी है, हम भी तो आप ही के ग्रुप में है। हम सब एक ही नहीं, ग्रुप में है। तो हाँ जी भाई, ऐसा कि अनुप जी, तो हम एक मंडली बना देते हैं तो वो ज्यादा भजन अच्छा रहेगा। मंडली, हमारी मंडली चलेगी, लिटरेरी वॉलीवुड ग्रुप भजन बना। तो मंडली। अब हम बढ़ते हैं दूसरे राउंड की ओर, और एक फोर लाइनर जी मैं कहना चाहूंगी कि गम ही जी दर्द है, गम ही दवा भी है। गम ही दर्द है, गम ही दवा भी है, जो उसमें डूबे रहे तो ले डूबेगा, वरना गम में पड़ने की दुआ भी है। जो उसमें डूबे रहे तो ले डूबेगा, वरना गम में आगे बढ़ने की दुआ भी है। मैं हेमा श्रीवास्तव जी से दरखास्त करती हूँ कि वो अपनी कविता तरन्नुम में पेश करें। हेमा श्रीवास्तव। हर ओर बनावट, हर ओर छल, मेरी मन कहीं और चल। हर ओर बनावट, हर ओर छल, मेरी मन कहीं और चल। हंसते हंसाते चेहरे, बातें बनाते चेहरे, हंसते हंसाते चेहरे, बातें बनाते चेहरे, तोड़ जाते हैं मेरा मनोबल के, मेरे मन कहीं और चल। तोड़ जाते हैं मेरा मनोबल
चल इस संग से तो अच्छी तन्हाई है सुकून की, इस तंग से तो अच्छी तन्हाई है सुकून की, नहीं पढ़ाती दिल में हलचल मेरे मन कहीं और चल, नहीं पढ़ाती दिल में हलचल मेरे मन कहीं और चल, हर ओर बनावट हर ओर चल मेरे मन कहीं और चल, चलता रहे तू अपनी धुन में मगन ए दिल, चलता रहे तू अपनी धुन में मगन ए दिल, तू रुका तो रुक जाए गपल मेरे मन कहीं और चल, तू रुका तो रुक जाए गपल मेरे मन कहीं और चल, हर ओर बनावट हर ओर चल मेरे मन कहीं और चल, जब उम्मीद की सुबह भी इतनी सुहानी ना थी, उम्मीद की सुबह भी इतनी सुहानी ना थी, अब रात भी हुई बोझल मेरे मन कहीं और चल, अब रात भी हुई बोझल मेरे मन कहीं और चल, हर ओर बनावट हर ओर चल मेरे मन कहीं और चल, ला 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस एक ही शिकायत है जी, पूछो क्या जी, बोलिए कि अपना गाना हो गया तो बस जाने की बात करने लगी, अरे औरों का भी तो सुन दो। खैर मजाक अपार्ट, बहुत ही अच्छे गीत था और बहुत अच्छा गीत, ये दुनिया के ऊपर एक अच्छी कविता थी और उसको बहुत ही अच्छे तरंगों में आपने डाला था, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। इसका श्रेय आपको इसका श्रेय आपको जाता है कि आपने हमें गीतकार संगीतकार और वो गायक बना दिया। थोड़े दिनों बाद डांस करना भी। हाँ, डांस करना भी। चलिए वो भी कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़े, वो भी हाँ, वो भी करा दीजिए। अगली गोष्ठी डांसिंग गोष्ठी होगी। हाँ, फर्स्ट बार कंपोज किया म्यूजिक अपने आप। नहीं वैसे भी न्यू ईयर पास है तो जब त्योहारों की बात चलिए तो अभी कल क्रिसमस था, अब न्यू ईयर आ रहा है, फिर वैलेंटाइन डे आएगा और फिर आएगा होली, तो होली के बारे में एक चार लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी कि कहने को तो सिर्फ त्योहार है होली, मेरी मानो तो बहार है होली, कहने को तो सिर्फ त्योहार है होली, मेरी मानो तो बहार है होली, प्रेम का गुलाल खुशी का गुजिया सच आपस का प्यार है होली, सच आपस का प्यार है होली, होली की खुशी ही बड़ी हंसी भी होती है और रंगीन भी, आपके सामने रंगों की छटा लेकर आ रही है
मनीषा अमोल, हो सकता है इस गीत के साथ आप खुद ब खुद डांस करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने तो पहले से ही समा बांध दिया। तो मैं एक गीत जो होली पे लिखी थी, मैंने पिछले होली के लिए लिखा था इसको, उस टाइम होली बहुत फीकी थी तो मैंने दोनों रूप इसमें डालने की कोशिश की है। तो शुरू की जो लाइनें हैं वो जैसे हम हर साल होली खेलते हैं वैसे, और आखिरी की जो चार पंक्तियां हैं वो सिर्फ जो होली अभी बीत गई 2020 की होली उस पे है। तो पेश कर रही हूँ इस उम्मीद में कि आप सबको ये गीत पसंद आए। इसका शीर्षक है गुलाल। होली के इस अवसर पे हाल हुआ बेहाल, है धूम मची चारों तरफ उड़ता रंग गुलाल। होली का गुलाल है फिर से, प्रेम और खुशियां ही बरसे, सजनी को साजन भीतर से, भाग रही सखियां यूं डर से। माथे और गालों पर मले प्रीत का रंग, नाचती और इठलाती पीकर प्रेम का भंग। वादियां हैं गूंज रही गाते सब होली गीत, इंतजार अब और नहीं मिल जाओ मन मीत। रंगों का ये ऐसा पर भूले सब रंज मलाल, दिल से दिल ऐसे मिले सब हो गए माला माल। कुछ मीठी यादें आ घिरी अमराई की छाँव, हुड़दंग मचाते बचपन की दबे दबे से पाँव। सबों के चेहरे पे है आज खुशी की ऐसी धार, सबों के चेहरे पे है आज खुशी की ऐसी धार। पुलकित मन हो उठा सभी का ऐसा ये त्योहार, लाल हरा नीला पीला मौसम खिला वसंत, लाल हरा नीला पीला मौसम खिला वसंत। बिखरी होली की मस्ती खुशियां घोर अनंत। अब जो ये चार पंक्तियां हैं जो इस साल की होली पे मैंने लिखी है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। पर इस वर्ष होली पे कुछ ऐसे उठे सवाल, पर इस वर्ष होली पे कुछ ऐसे उठे सवाल। खेली खून की होली हुई धरती सुर्ख लाल, खेली खून की होली हुई धरती सुर्ख लाल। होली के इस पावन पर्व रंग हुआ बेरंग, होली के इस पावन पर्व रंग हुआ बेरंग। मानवता को डस गया मनुष्य रूपी भुजंग, मानवता को डस गया मनुष्य रूपी भुजंग। होली के इस अवसर पे हाल हुआ बेहाल, होली के इस अवसर पे हाल हुआ बेहाल। है धूम मची चारों तरफ उड़ता रंग गुलाल, है धूम मची चारों तरफ उड़ता रंग गुलाल। धन्यवाद। बहुत सॉरी मैं म्यूट थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, होली का मजा आ गया। हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं पिछले एक साल से, तो आई होप कि इस बार वैक्सीन आ जाए और हमको ऑनलाइन होली ना मनानी पड़े, वरना पता चला हम यहाँ बैठ के ऑनलाइन होली मनाएंगे। तो आ रहे हैं परंतु हमारे ऑडियंस ने अभी तक गेस नहीं की है कोई खास चीज है हमारे आज के प्रोग्राम की, तो उसको ऑडियंस ने थोड़ा सा गेस करना चाहिए।
तो छोड़ देते हैं फिलहाल ये क्वेश्चन यहीं पे, और अगर ऑडियंस ने नहीं गेस किया तो हमें ही बताना पड़ेगा, हालांकि इतने रंगों की बात की गई मनीषा के गाने में तो हो सकता है कोई गेस कर ही ले। तो इस आशा के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो एक फोर लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी कि यादों की बूंद जब हौले हौले बरसी, मेरी रूह खुशी से तर हो गई। यादों की बूंद जब हौले हौले बरसी, मेरी रूह खुशी से तर हो गई। मैं बह गई वक्त के साथ साथ, मानो मैं समंदर की खारी लहर हो गई। मैं बह गई वक्त के साथ साथ, मानो मैं समंदर की खारी लहर हो गई। समंदर की जब भी हम बात करते हैं, कुछ इस तरह महसूस होता है जैसे हम किसी ऐसी शक्ति की बात कर रहे हैं जो सब जानती हो, सब समझती हो और जिसकी कोई सीमा ही ना हो। समंदर के ऊपर अनूप ने कौन सा गीत लिखा है और आज हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं, चलिए उनसे ही सुनते हैं। समंदर को लेके एक बेसिकली ये गीत हमारी रेणु मिश्रा मैडम ने लिखा हुआ था और फिर उन्होंने भेजा तो कुछ उसमें मैंने फेरबदल किया, तो मूल आत्मा उसकी रेणु मिश्रा मैडम की है और बाकी मैं उसमें जो थोड़ा सा मेकअप वगैरह है वो मैंने कर दिया है, तो देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आता है। तो समुंदर जो बात करता है लोगों से, हमसे क्या कहता है, भगवान राम के जमाने से, शिव के जमाने से क्या कह रहा है, वही इसमें डालने की कोशिश की हुई है, तो सुनिएगा। समंदर को पता है कहाँ मुझको है रुकना, समंदर को पता है कहाँ मुझको है रुकना, कहाँ पर सांस लेनी है, कहाँ मुझको है झुकना। समंदर को पता है किसे अमृत कलश देना, किसे शंकर बनाना और कंठ नीलाभ कर देना। समंदर को पता है कहाँ मुझको है रुकना, विकल नदिया की विवहलता, उसके बचपन की चंचलता। समंदर को पता है नदी को आसरा देना, बादलों को मीठे जल के दोबारा घूंट दे देना, और नदिया के आंचल को पुनः अमृत से भर देना। समंदर को पता है किसे अमृत कलश देना, समंदर को पता है राम को राह कब देना, सेतु वक्ष स्थल पर बनवा विजित लंका करा देना। समंदर को पता है द्वारिका कब बसाना है, काल के चक्र के चलते कृष्ण संग लील जाना है। समंदर को पता है किसे अमृत कलश देना, समंदर को पता है कश्तियों की मदद करना, और दम भी जहाजों का मान कैसे हनन करना। समंदर जानता है फेंकना उधर से कचरे को,
संजोना रक्त माणिक और पालना असंख्य जीवन को, समंदर को पता है किसे अमृत कलश देना, समंदर को पता है समंदर को कहां भाता है बस्तियों का उजड़ जाना, उसे तो केवल आता है प्रणय में ज्वार पर आना, चांद को ताकते रहना पूर्णिमा पर उफन आना, और चंदाज मुँह फेरे खामोशी से लौट जाना, समंदर को पता है किसे अमृत कलश देना, किसे शंकर बनाना और कंठ नीलाभ कर देना, समंदर को पता है कहाँ मुझको है रुकना, कहाँ पर सांस लेनी है, कहाँ मुझको है झुकना, समंदर को पता है यहाँ मुझको है रुकना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत तो इतना मेलोडियस वॉइस है जी आपका, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज। अरे क्या बात है, मैंने जिंदगी में पहली बार ट्राई किया है और वो भी इतने सारे ऑडियंस के सामने में। मैंने पोएट्री भी नीलम मैडम के कहने से, बहुत अच्छी आवाज है जो है, मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था आपका गीत, शायद इसीलिए मुझे गायब कर दिया इंटरनेट ने, परंतु मुझे, मैं ये प्रोग्राम फिर से जाके सुनूंगी। और ऑडियो, हेलो, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है जी जी उनका फ्रीज हो गया फ्रेम। हेलो, मुझे लगता है वो 40 मिनट वाला तो कुछ नहीं है तो। जी जी जी, बहरहाल मेरे स्कूल के मैट, ओके ओके, मेरे स्कूल के मित्र भी है चित्रंजन, तो उन्होंने भी लाइक किया होगा, वो कहीं और से सुन रहा होगा जी, नहीं तो अलका जी अपनी कविता आगे पढ़ सकती हैं, मतलब तरन्नुम में दो मिनट देखे नीलम जी, मेरे ख्याल से ऑडियंस को हम लोग ऑडिबल हैं कि नहीं, बाकी सारे लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं, आई थिंक ऑडियंस को तो ऑडिबल है अलका जी, क्योंकि कोई कमेंट ऐसा नहीं आ रहा है, अलका जी आप पढ़ें मेरे ख्याल से। ओके ओके ठीक है, ये कविता हमने, कविता क्या, ये गीत है जो कि बसंत ऋतु और एक प्रेयसी जो कि अपने पति के अपने प्रेमी के आने पे इतना विहल हो जाती है कि उसमें वो खो जाती है, तो ये बसंत ऋतु और एक प्रेमिका के भाव को समाहित किए हुए ये गीत है। देख के तेरा रूप सुनहरा और मेरी होती है, चंद्र से शीतल छाओ में तेरी सांवरी सोती है, मन मलंग मलंग मन मलंग मलंग मन मलंग मलंग हो जाता है, मन मलंग मलंग हो जाता है मेरे सामने जब तू आता है, मन मलंग मलंग हो जाता है मेरे सामने जब तू आता है, नातन की सुत ना मन की सुत, नातन की सुत ना मन की सुत,
पाक शिशिर में गाता है मन मलंग मलंग, ओ मन मलंग मलंग, ओ मन मलंग मलंग हो जाता है मेरे सामने जब तू आता है, मेरे सामने जब तू आता है। सासों की घुंघरू बांध पाँव में नील गगन जाता है, और तोड़ चांद पगड़ी पे लगा तेरे शीश सजा देता है। सासों के घुंघरू बांध पाँव में नील गगन जाता है, और तोड़ चांद पगड़ी में लगा तेरे शीश सजा देता है, तेरे शीश सजा देता है। मन मलंग मलंग, मन मलंग मलंग, मन मलंग मलंग हो जाता है मेरे सामने जब तू आता है, मेरे सामने जब तू आता है। बनता है पपीहा ये तो कभी कभी सीपी बन जाता है, नख से शिक तक लाल रंग बन शिरा में बहता है। बनता है पपीहा ये तो कभी कभी सीप ये बन जाता, नख से शिक तक लाल रंग बन शिरा में बहता है, शिरा में बहता है। मन मलंग मलंग, ओ मन मलंग मलंग, ओ मन मलंग मलंग हो जाता है मेरे सामने जब तू आता है, मेरे सामने जब तू आता है। तेरी पक्की आहट सुनता है ये धरा पे कान लगा के, जो धरा के नीचे जल बहता वैसा ही मनवा भागे। तेरी पक्की आहट सुनता है ये धरा पे कान लगा के, जो धरा के नीचे जल बहता वैसे ही मनवा भागे, वैसे ही मनवा भागे। मन मलंग मलंग, ओ मन मलंग मलंग, ओ मन मलंग मलंग हो जाता है मेरे सामने जब तू आता है, मेरे सामने जब तू आता है। तेरे मधुर बोल बन के मृदंग मेरे कानों में जब बाजे, तेरे मधुर बोल बन के मृदंग मेरे कानों में जब बाजे। तिनक तिनक दिन, तिनक तिनक दिन मन मयूर मेरा नाचे, तिनक तिनक दिन, तिनक तिनक दिन मन मयूर मेरा नाचे। तेरे मधुर बोल बन के मृदंग मेरे कानों में जब बाजे, तिनक तिनक दिन, तिनक तिनक दिन मन मयूर मेरा नाचे, मन मयूर मेरा राजे। मन मगन मगन, ओ मन मलंग मलंग, ओ मन मलंग मलंग हो जाता है मेरे सामने जब तू आता है, मेरे सामने जब तू आता है। मेरे मलंग मलंग, ओ मन मलंग मलंग, मन मलंग मलंग हो जाता है मेरे सामने जब तू आता है, मेरे सामने जब तू आता है। नातन की सुध ना मन की सुध, नातन की सुध ना मन की सुध, फाग शिशिर में गाता है, फाग शिशिर में गाता है। मन मलंग मलंग हो जाता है मेरे सामने जब तू आता है, मेरे सामने जब तू आता है। क्या बात है। सच में वो जो डांस की बात हो रही थी ना, मन कर रहा था कि हम डांस ही करने लगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर कभी हमारी बढ़िया जो है ऑनलाइन, तो कभी ऑनलाइन की जगह अगर प्रैक्टिकल मीट हुई तो अलका जी गाएंगी और हम सब डांस करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मलंग होके डांस करेंगे, मलंग होके डांस करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत गीत था। अलका जी एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। हाँ जी,
ये कौन आता है तो आपका मन मलंग मलंग हो जाता है। अब मुझे पता है आप सबके सामने ये उत्तर नहीं देंगी, बट चलिए हम आपको ये अलग से क्वेश्चन पूछ लेंगे। और जो है इतने अच्छे गीत के लिए सभी हमारे कवयित्री और गीतकार बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इतनी खूबसूरत आज की प्रस्तुति थी, जैसा कि किसी ने लिखा था, मैं बीच में वो आउट हो गई, बट आउट यानी लिटरली आउट नहीं हुई, बट नेटवर्क से आउट हो गई। वैसे वैसे जो है गीत इतने मधुर थे, हाँ कि आउट भी हो सकती थी नहीं, गीत इतने मधुर थे कि नशे में आना स्वाभाविक है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि अगर आप आउट हो गई थी तो। तो बहुत ही खूबसूरत गीत थे जिसके लिए हमारे सभी कवि बधाई के पात्र हैं। और ऐसा ही इवेंट हम आगे कुछ महीनों बाद फिर से ऑनलाइन, अभी तो चलते रहेंगे, हमारे 3 हफ्ते तक और इस तरह के कार्यक्रम है, फिर उसके बाद कुछ गैप दे के फिर से हम ये सुरीली संध्या फिर करेंगे, ऐसा मुझे आज के कार्यक्रम के बाद लगा है। क्योंकि जैसा किसी ने कमेंट लिखा था कि हम लोगों ने ग्रीन ही नहीं पहना है, हम लोग एवरग्रीन है, तो वाकई हम लोग एवरग्रीन है। तो कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है, तो मैं एंड करना चाहूंगी इन 4 लाइनों के साथ कि इन चिरागों में गजब की शिद्दत है, इस रोशनी में हंसी सी नजाकत है। इन चिरागों में गजब की शिद्दत है, इस रोशनी में हंसी सी नजाकत है। आप क्या आए दुआएं दिल से लबरेज हुई, आप क्या आए दुआएं दिल से लबरेज हुई, आप हरदम खुश रहें यही हमारी इबादत है, आप हरदम खुश रहें यही हमारी इबादत है। तो हम सभी के तरफ से हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कुछ कभी कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। बहुत धन्यवाद, बहुत सारे लोगों का जुड़ने के लिए। नीलम जी आपका संचालन बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। का भी बहुत हमारे श्रोतागण भी एवरग्रीन थे जी, मेरे बचपन के मित्र भी जा रहे मेरे, उन्होंने बचपन के मित्र किया कि 2 लोगों ने एक ग्रीन कलर चूज किया है, बाकी लोगों ने अलग ग्रीन चूज किया, यहाँ तक लोगों ने चूज किया। तो वो जो आपने क्वेश्चन पूछा तो सबने बड़े ध्यान से देखा। तो चलिए शुभ रात्रि, शब्बक है, और फिर मिलेंगे। हाँ अनु, कुछ कहना चाहते हैं, आपके कहे बिना कैसे कार्यक्रम खत्म होगा? मैं जी ना नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था मेरे बचपन के मित्रों को मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब मैं ये पहले नंबर का अवार्ड आपसे लूं तो कोई और सुने मुझे, लेकिन चितरंजन मेरे मित्र हैं, उन्होंने ढूंढा और वो लगातार दूसरी जगह पोस्ट कर रहे हैं कि सारे लोग देखें। मैंने इन बच्चों को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, ये प्रोग्राम करने वाला हूँ। अब तो घर पे डांट पड़ने वाली है आपको अनुप जी, सबके लिए सरप्राइज दे आपने। जी जी, तो इस सबके लिए नीलम मैम का शुक्रिया, और बाकी सारे मेरे जो कवि मित्र हैं उन सभी का भी शुक्रिया कि हम लोगों को सारे लोगों ने सहन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रसून जी का शुक्रिया, पोस्टर हमारा, हाँ प्रसून जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उनको हम हर कार्यक्रम में याद करते हैं, इतने खूबसूरत पोस्टर वो हमारे लिए बनाते हैं, हम लोग बस उन्हें फोटो भेज देते हैं और वो एक खूबसूरत पोस्टर तैयार करके हमें दे देते हैं चुपचाप बिना किसी आवाज के। और उनको कई बार कहा कि आप ऑनलाइन आ जाए, अभी तक नहीं आए हैं, होप है कि आशा पे दुनिया टिकी है, वो होप है कि वो जल्दी आ जाएंगे। हाँ, एक दिन वो आ जाए अपना नारियल और वो अपना श्रीफल और अपना शॉल खुद लेके आए, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, वो खुद ऑनलाइन प्रोग्राम खुद ही चढ़ाएं वो अपने ऊपर। तो प्रसून, हम सब चाहते हैं कि आप ऑनलाइन आए और आपका स्वागत श्रीफल और शॉल से किया जाए। तो चलिए यहीं पे हम एंड करना चाहेंगे। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।
गुड नाइट।